अगर इस बार आप क्लास 10th में हैं और आने वाले 4 मार्च 2024 को एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। आपके पास होने का मुकम्मल इंतज़ाम मैंने कर दिया है, बस आपको ध्यान से इतना आपको तवज्जो देना है। साल भर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, प्राइवेट थे मुंबई से आए हैं, कोई मसला नहीं, आपकी पूरे समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके आने के एग्जामिनेशन में चांसेस 110% होंगे। ये मेरा आपसे लाइव चैलेंज है, आपको पूरी वीडियो को आपको कंप्लीट कर लेना है और जब आपका पेपर होगा पेपर के सामने आप कंसल्ट कर लीजिएगा और आप मैच कर लीजिएगा कि कितनी चीज़ें आई और कितनी नहीं आई। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको जो पढ़ना है वो है आपका 4 लाइन का ये पोम है, 3 नंबर में 110% आपका आना ही आना है। पोम बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल, लास्ट में कोई साइन आपको फुल स्टॉप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कुछ नहीं लगाना है, हूबहू जैसे लिखा वैसे छाप दीजिए। लिखा क्या है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ये 4 लाइन लिख दीजिए, 3 नंबर आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 यहां से आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आपका 3 आएगा, 3 में से कोई आपको एक करना होगा जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। फर्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए आपके टोटल बाबू जो सिलेबस में है वो 9 से 10 है, जिसमें से मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंड आउट किया है, ये 3 आप पढ़ लीजिए, 99.99% है कि कोई ना कोई इसमें से आपका फंस जाएगा और आप लिख कर चले आइएगा। वैसे भी सेंट्रल आइडिया लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर पोम के पोर्ट का नाम पता होना चाहिए कि किसने लिखा है, इतना अगर पता है तो आप लिख के चले जाइए आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, और इनकेस मान लो नहीं आता है और आपने आप इस क्लास कभी किए ही नहीं डायरेक्ट आए हुए हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि पेपर के 5 सेट बनते हैं और आप चाहे जिसमें से चाहे जो आप लिख के चले जाइए आपको नंबर मिल जाएंगे गारंटी। ठीक है, क्योंकि पेपर के 5 सेट बनते हैं तो एग्जामिनर कभी पेपर सेट लेकर नहीं बैठता है कि कौन सा क्वेश्चन लिखा था कौन सा आया है, वो भी सोचेगा हाँ बच्चे ने लिखा है तो क्वेश्चन पेपर में रहा होगा तभी लिखा है। खैर, तो देखिए आपका लिखा क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दिस पोम द पोर्ट डिस्कस्ड ए क्रो एंड हेमलॉक ट्री एंड वी ऑल नो दैट बोथ आर सपोज्ड टू बी द सिंबल ऑफ बैड वुमन, फ्रॉम दिस पोम द पोर्ट वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। यानी ये जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके सेंट्रल आइडिया को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इस पोम में पोर्ट ने डिस्कस किया है क्रो और हेमलॉक ट्री को। हम जानते हैं कि कौआ हो धतूरा हो दोनों को ही हम खराब मानते हैं, कह सकते हैं इसको हम अशुभ मानते हैं, और इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। बेसिक थीम बाबू आपका क्या है कि आपने सबसे पहली लाइन में लिखा कि इसको लिखा किसने है, ये लिख दीजिए। नीचे आपका है फ्रॉम दिस पोम द पोर्ट वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, कविता ने इस कविता में कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा इस कविता के जरिए, किस चीज को डिस्कस किया है क्रो और हेमलॉक ट्री को, बस इतनी सी चीज है इसमें, इससे ज्यादा इजी और एक्यूरेट आपको नहीं मिल सकता, ये मेरी आपसे गारंटी है, चाहे विद्या उठाएं चाहे गूगल उठाएं चाहे अवतार उठाएं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका इसी में है अमंडा, फिर वही चीज आपको लिख देनी किसने लिखा है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम अमंडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन, यानी जो सेंट्रल आइडिया है अमंडा का उसको रॉबिन क्लीन ने लिखा है। इन दिस पोम द पोर्ट डिस्कस अ गर्ल नेम अमंडा, इस पोम में कवि ने एक लड़की का जिक्र किया है जिसका नाम है अमंडा, हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाई हर मदर, जो कि लगातार अपनी माँ के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ड्यू टू बी सी वॉज टोटली डिस्टर्ब, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो परेशान हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रॉम दिस पोम द पोर्ट वॉन्ट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं नीचे फ्रॉम दिस पोम द पोर्ट वॉन्ट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, ये आपको हर सेंट्रल आइडिया में मिल जाएगा। क्यों? सिर्फ मेरा मकसद इसको है, ऐसी चीजें आपको कवर किए हैं उसमें कि आपको रटने की कोई जरूरत ना पड़े। फर्स्ट लाइन क्या है, पोर्ट का नाम लिखिए, लास्ट में क्या लिख दे कि किस जो है इसमें कि इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया, बीच में आपको क्या लिख देना है, इस लड़की थी जिसका नाम था मंडा, जिसको माँ बाप के इंस्ट्रक्शन से हमेशा वो परेशान थे। कमिंग टू द नेक्स्ट आपका टाइगर इन द जू, ये 3 आप पढ़ लीजिए, 99 पॉइंट है कि तीनों में से कोई ना कोई आपको वहां मिल जाएगा, फिर वही लिख देना आपको किसने लिखा है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम टाइगर इन द जू इज कंपोज बाय लिज़ले नॉरिस, ये जो पोम है टाइगर इन द जू, इसके सेंट्रल आइडिया को लिज़ले नॉरिस ने लिखा है। इन दिस पोम द पोर्ट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट, इस पोम में पोर्ट ने कंट्रास्ट का विरोधाभास किया है, टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि जब टाइगर जू में रहता तब कैसे रहता है और टाइगर जंगल में रहता तब कैसा होता है। पोच वॉन्ट टू से द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, और कवि ने दोनों ही तरह में फर्क बताया कि जब टाइगर जंगल में रहेगा तब कैसे रहेगा और टाइगर जो है वो जब चिड़ियाघर में रहेगा तब कैसे रहेगा, दोनों के बीच में कंट्रास्ट का विरोधाभास किया है। फ्रॉम दिस पोम द पोर्ट वॉन्ट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया। ठीक, मतलब टाइगर कैसे रहेगा,
टाइगर जब जू में रहेगा तब कैसा लगेगा, टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तब कैसा लगेगा, दोनों को इन्होंने कंपेयर किया है। ये तीन आप प्रिपेयर कर लीजिए, तीन नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपका चार नंबर पक्का आएगा, प्रिंसिपल पर आएगा, ये भी 110% लाइव गारंटी आपसे। अब क्या आ जाए, टीसी पर हो सकता है, शादी पर हो सकता है, बीमारी पर हो सकता है, फीस कंसेशन पे हो सकता है, कैंटीन पे हो सकता है, स्पोर्ट्स पर हो सकता है, जिसमें मैंने दो इंपॉर्टेंट को डिस्कस किया है अभी। एक तो आपका मैंने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गेम, और दूसरा दिया हमने फुल कंसेशन इन फीस। टीसी पर भी क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, टीसी की अपलोडेड है बहुत आसान लैंग्वेज में, आप टीसी पर भी एक बार पढ़ लीजिए, आपके चांसेस कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला बाबू हम डिस्कस करते हैं इसमें, तो ये आपका जो टॉपिक है वो है कि मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें कि वो इवनिंग गेम का इंतजाम करें, आपके स्कूल में गेम कोई नहीं खेला जा रहा, उसका आपको इंतजाम करना है। अब इसी पर मान लो कैंटीन आ गया तो आप क्या कर देंगे, अरेंजमेंट ऑफ कैंटीन कर देंगे, बस इतनी सी चीज़ है आपका। देखिए जो लिखा है बाबू ये ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा है, सारी चीज़ें आपको एक लाइन से लिखनी है, एक टू के नीचे द प्रिंसिपल स्कूल आपका सारी चीज़ें लिखा रहेगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे टू, क्योंकि प्रिंसिपल को लिखते हैं तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग होगी PRINCIPAL। उसके बाद आप लिखेंगे स्कूल का नाम, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कॉलर्स अकेडमी इंटर कॉलेज उतरौला बलरामपुर, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। रेफरेंस मतलब सब्जेक्ट, मतलब किस विषय में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो लिखा आपका रिक्वेस्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम, मतलब रिक्वेस्ट किया गया है कि इवनिंग में गेम का अरेंजमेंट करें रिस्पेक्टेड सर। यहाँ से बाबू आपका एप्लीकेशन शुरू होता है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही इज्जत के साथ, आई वॉन्ट टू स्टेट डैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देर इज नो अरेंजमेंट ऑफ गेम्स इन अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में गेम का कोई इंतजाम नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू प्लेज मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स इन अवर कॉलेज, कि हमारे कॉलेज में शाम को गेम का इंतजाम करा दीजिए, थैंकिंग यू योर्स स्टूडेंट लिखिए या योर्स स्टूडेंटली लिखिए, बात एक है। ठीक है बाबू, इसमें बहुत बड़ी विद्या नहीं है, टू द प्रिंसिपल लिखा, स्कूल का नाम लिखा, स्कूल का एड्रेस लिखा, रेफरेंस आपने लिख दिया, दो लाइन आपको रटना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट डेट देर इज नो अरेंजमेंट ऑफ गेम इन अवर कॉलेज, बहुत इज्जत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में गेम का कोई इंतजाम नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इवनिंग गेम का इंतजाम करवाइए, आपको स्टूडेंट की स्पेलिंग आसान लगेगी लिख दीजिए, थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है तो आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आपका है, आपको क्या करना है, कंसेशन इन फीस, मतलब फीस में छूट चाहिए उसके लिए आपको लिखना है, टू द प्रिंसिपल सेम एज इट इज लिखेंगे, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, रेफरेंस, रिक्वेस्टिंग फॉर फुल कंसेशन इन फीस, मतलब निवेदन करना है कि फीस में फुल कंसेशन दे दें, रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट बहुत इज्जत के साथ, आई वॉन्ट टू स्टेट डेट माई फादर इज ए पुअर फार्मर एंड ही इज अनेबल टू पे माई फीस, बहुत इज्जत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता एक गरीब किसान हैं और मेरा फीस जमा करने में असमर्थ हैं, सो प्लीज ग्रांट मी फुल कंसेशन इन फीस, मेरे फीस में पूरी छूट दे दीजिए, थैंकिंग यू योर सोविडेंटली योर स्टूडेंट, बात आपका एक है। तो ये बाबू आपका हो गया कंसेशन फीस पर। टीसी पर आता है तो टीसी पर भी आप लिख सकते हैं, जहाँ आपने क्या है इसमें क्लास 10th इंग्लिश में बाबू प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी है, आप बहुत आराम से देख सकते हैं, वैसे आने के चांसेस कम है लेकिन फिर भी देख लीजिए। अगला बाबू आपका क्या है, लेटर राइटिंग, या तो आप एप्लीकेशन लिखें या तो लेटर राइटिंग लिखें, दोनों में से कोई ना कोई एक आपका टकरा जाएगा। लेटर राइटिंग लिखते समय सबसे पहले एड्रेस लिखें, उतरौला बलरामपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश, डेट लिखें, उसके बाद माय डियर फ्रेंड, ये जो आपका लिखा है बाबू वो है कि आपने अपने दोस्त को इन्वाइट किया है बर्थडे पार्टी पे, ठीक है, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड आई होप डैट यू विल आल्सो बी फाइन, मुझे उम्मीद है तुम भी ठीक होगे, यू नो डैट माई बर्थडे इज ऑन, माई बर्थडे इज ऑन 20 January 2024, तुम्हें पता है, सॉरी फरवरी, तुम्हें पता है कि मेरा जो बर्थडे है 20 February 2024 को है, दिस ईयर इस साल आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दिस डे, मैं इस दिन को मनाना चाहता हूँ एट रोबोटिक होटल लखनऊ, रोबोटिक होटल लखनऊ में, इन विच आई एम इनवाइटिंग यू टू, इस वहाँ पर मैं तुम्हें भी इनवाइट करता हूँ, प्लीज कम, आई विल वेट फॉर यू, तुम्हारा मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, योर्स लविंग तुम्हारा प्यारा XYZ कर देंगे। ये बाबू आपका आसान तरीका है बर्थडे पर इन्वाइट करने का, कुछ नहीं करना है, सेंडर एड्रेस यानी अपना एड्रेस लिख लें, माय डियर फ्रेंड, अच्छा इसमें आप अपने शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हूँ बहू आप यही छाप में, फॉर्मेट ध्यान रखें, मैं ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है तुम भी ठीक होगे, मैं अपना बर्थडे फला तारीख को फला जगह मनाने आ रहा हूँ और मैं तुमको भी इनवाइट करता हूँ, तुम भी वहाँ पर आना, बस इतनी सी चीज़ है। अगला बाबू आपका लिखा कि सिस्टर के मैरिज पर इन्वाइट करना है, सेंडर एड्रेस सेम, सारी चीज़ें सेम, माई डियर फ्रेंड आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है तुम भी ठीक होगे, माई सिस्टर्स मैरिज इज हेल्ड ऑन 25 January 2024, मेरी बहन की शादी 25 January 2024 को है, इन विच आई एम इन्वाइटिंग यू टू, उसमें मैं तुम्हें भी आमंत्रित करता हूँ, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस, आना और हमारे साथ मिलना, आई विल हैप्पी टू सी यू, मुझे तुम्हें देखकर खुशी होगी। ये बाबू आपका क्या था, लेटर में और एप्लीकेशन में दोनों में से कोई क्या, प्रिंसिपल पर आएगा 110% मेरा आपसे लाइव चैलेंज है,
110% आना ही आना है। फॉर्मेट आप देख लीजिए, अगर बाबू थोड़ा सा इधर उधर भी रहता है, जैसे आप टीसी पर आ गया, मान लो कैंटीन पर आ गया, तो थोड़ा बहुत आप उसमें चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो आपका है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपका है, मैंने इसमें डिस्कस किया, आइडियल टीचर कई बार ही आ चुका है, हालांकि दिवाली पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्राफ्ट एग्जीबिशन भी है। इस वीडियो में हमने एक ही डिस्कस किया है आइडियल टीचर। ये हिंट आपको दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड अपियरेंस, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटीज, इतनी हेडिंग आपको हिंट में एग्जामिनेशन में दी हुई होगी, आपको इसी पर डिस्क्राइब करते चले जाना है। अब इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, किसी टीचर को उठा दीजिए अपने स्कूल से, मतलब उठाने का मतलब उनको लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, उनका ड्रेस कैसा होता, दिखते कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है, पढ़ाते कैसे हैं, क्वालिटीज कैसी, इतने पर आपको दो दो तीन तीन लाइन लिख देनी है। चलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी लिखने में। देखिए इंट्रोडक्शन डालने के बाद बाबू क्या लिखेंगे, देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, बट मिस्टर या मिसेस इज माई बेस्ट टीचर, आप किसी का भी नाम लिख देंगे अपने स्कूल के जो भी आपके फेवरेट होंगे, मतलब मेरे स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन फला मेरे बेस्ट टीचर है, ही टीचर्स अस, वो हमें पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, इसमें से कोई आप एक सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर हिंदी पढ़ाते हैं तो लिख दीजिए ही टीचर्स अस हिंदी, पूरा मत लिखिएगा। इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप लिख दीजिए ही टीचर्स अस इंग्लिश, मैथ पढ़ाते हैं तो ही टीचर्स अस मैथ, मतलब आपको जो डॉट डॉट है उसमें नाम लिखना है और बाकी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में से कोई एक चूज कर लेना है। बाबू इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है, नाम लिख दीजिए और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका हेडिंग है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी उनका ड्रेस कैसा होता है और दिखते कैसे हैं, तो ही वियर सिंपल क्लॉथ, वो साधारण कपड़े पहनते हैं, ही जनरली वियर पैंट शर्ट, वो आमतौर पर पैंट शर्ट पहनते हैं, एंड इन विंटर ही वियर जैकेट, और ठंडक के महीने में जैकेट पहनते हैं, ही इज अबाउट 25 years old, वो लगभग 25 साल के हैं। नेक्स्ट आपका हिज बिहेवियर, मतलब बर्ताव कैसा है, तो लिख दीजिए बढ़िया है, अच्छा नहीं होगा तब भी बढ़िया लिखना है क्योंकि नेगेटिव आप नहीं लिख सकते। हिज बिहेवियर इज नॉट बैड, उनका बिहेवियर बुरा नहीं है, ही इज काइंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट, बच्चों से बड़े दयालु पेश आते हैं, एंड फ्रेंडली टू द टीचर्स, और जो टीचर्स हैं उनसे बहुत दोस्ताना मिजाज रहता है। अगला हिज मेथड ऑफ टीचिंग, सिंपली लिख दीजिए उनके पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, बस बहुत है इतना। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज गुड, उनके पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, हिज लेसन्स आर इंटरेस्टिंग, उनके जो भी अध्याय होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग रुचिकार होते हैं, ही हैड सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज इन हिज सब्जेक्ट, या उनको अपने सब्जेक्ट में बहुत नॉलेज है। हिज क्वालिटीज, लास्ट हेडिंग आपका है हिज क्वालिटीज आर वेरी गुड, उनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, हिज कैरेक्टर इज वेरी गुड, उनका आचरण बहुत अच्छा है, ही इज रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, वो रोज आते हैं, नियमित होते हैं और मेहनती हैं, ही इज एन आइडियल टीचर, वो मेरे आदर्श शिक्षक हैं, आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। इतना अगर आप बाबू पढ़ लीजिए, पास होने की जिम्मेदारी फिक्स है, फॉर्म फिक्स है, सेंट्रल आइडिया फिक्स है, एप्लीकेशन फिक्स है, वही चीज़ें बताएं बाबू जिसके आने के चांसेस आपके 110% हैं। हालांकि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उसमें आपको अगले वीडियो में और भी हम डिस्कस करेंगे, आइडियल टीचर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बाबू अब ये लग रहा हो कि नहीं बस कहने की बात है, तो कहने की बात नहीं, पेपर जब होगा तो आप उसको मैच कर लीजिएगा, हल्के में ना लें, पढ़ लें, वक्त अभी भी आपके पास है, जितने भी वक्त आपके बचे हैं इस वक्त को आप बेहतर बना लीजिए, आने वाले मुस्तकबिल में आने वाला वक्त जो है आपका बहुत बेहतर होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस आपसे इतनी सी इल्तिजा है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और अगर किसी और का भी भला करना चाहते हैं जिनको लगता है कि नहीं पास होना उनका दुर्लभ है, तो उनके पास भी प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।